बंगला है यार। ये देखो ये है उसका नया बंगला। अरे वाह, तो ये है अपना नया आशियाना। है। अरे यार विक्की, उसने कभी बताया नहीं इस बंगले के बारे में। खैर कोई बात नहीं यार, आज के बाद से यही अपने महफिले रंगीन होंगी। अच्छी जगह राज। क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई बंगला तो बहुत बढ़िया है। सही बात कह रहे हो, मगर वो है कहाँ। सोनू, अरे बाबा सोनू ये आ गया। वेलकम दोस्तों, वेलकम। कहो कैसी लगी ये जगह। अरे भाई अयाशी के लिए तो एकदम फिट, शहर से दूर भी है और सेफ भी। मगर किसी की लाश ठिकाने लगानी हो तो। लाश यार, वहां अपने पास नदी थी और यहाँ अपन के पास बहुत बड़ा समंदर है, डाल देंगे कहीं। वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। लागा चुनरी दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी दाग छुपाऊं। हेलो, शकीला बानो ही बोल रही हो ना। हाँ शकीला बानो बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। शकीला बानो तुम हमें नहीं जानती, मगर हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। जानने के लिए शुक्रिया। कहिए कैसे याद फरमाया इस लाचिस को। शकीला बानो हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हुस्न शबाब के दरवाजे खुले हुए हैं, कहिए कितने साल की पसंद करेंगे आप। शकीला बानो हम तुमसे तुम्हारे अड्डे पर नहीं, तुम्हारे घर पर मिलना पसंद करेंगे। तो क्या घर पे ही बुला लूं लड़कियों को। नहीं शकीला, हम किसी और सिलसिले में तुमसे मिलना चाहते हैं, और अकेले में ही मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, क्या आप मुझसे मिलना पसंद करेंगी। कब मिलना पसंद करेंगे आप। मिलना तो हम बहुत जल्द ही चाहते हैं शकीला बानो, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज ही रात 11 बजे हम लोग मिल लेते हैं। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। रॉकी कहते हैं। कहिए क्यों मिलना चाहते हैं आप मुझसे। शकीला बानो तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक हसीन और जवान लड़कियां हैं जो तुम्हारे इशारों पर नाचती हैं,
मुझे भी एक ऐसी ही हसीन और जवान लड़की की तलाश है जो मेरे एक मकसद में पूरा पूरा साथ दे सके। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपका मकसद क्या है? तुम मेरा मकसद ना ही जानो तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है मेरा मकसद जानने के बाद तुम मेरा साथ ना दो, और ऐसी सूरत में तुम अगर मेरा मकसद जान जाओगी तो मेरे हाथों में बस निराशा ही लगेगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे मकसद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। तुम्हें जो कीमत चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, मेरी कीमत अलग होगी और लड़की की कीमत अलग। मेरी कीमत 2 लाख और लड़की की 3। बोलो मंजूर है? मंजूर है। ये 2 लाख इस एड्रेस पर उस लड़की को भेज देना। ठीक है। शकीला बानो ने भेजा है। बुलबुल, मुझे तुम्हारे जैसी ही लड़की की जरूरत है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, वैसे भी औरत तो मर्दों की जरूरत का सामान बनकर रह गई है। जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा उठाकर साइड कर दिया। तुम हमें गलत समझ रही हो बुलबुल, हम तुम्हें अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि तुम्हारी मदद चाहते हैं। उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए या तो उन्होंने औरत को मरने दिया या उसे वेश्या या रंडी बनने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कहना चाहते हो तुम? कहना नहीं, हम बताना चाहते हैं उन शैतानों के बारे में जिन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। आज की ये शाम करण के नाम, शाम तो करण के नाम है लेकिन रात, रात किसके नाम? अरे हमारी तो हर रात किसी ना किसी के नाम हो जाती है देव। क्या राशेर? और एक ये है ब्रह्मचारी, कैसे रात बिताता है पता नहीं। अरे जवानी एक ही बार आती है, जितना मजा ले सकता है ले ले। अरे वो सब तो ठीक है यार, मगर जिस तरह का मजा तुम लोग करते हो मुझे पता नहीं कि लड़कियों को मना कैसे लेते हो यार। अरे यही तो रात की बात है। क्या रात है? आज की रात हम लोगों के साथ रुक कर देख, कैसे पटाते लड़कियों को पता चल जाएगा। ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, फिर मिलता हूँ। मिलेंगे, मिलेंगे। राशिद,
अगर हम इसे अपने साथ इन्वॉल्व ना करें तो हमारे लिए यही अच्छा होगा। देव हमारे लिए कभी ना कभी मुसीबत बन सकता है। हाँ यार, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यार राशिद, जो मजा तेरी गर्लफ्रेंड के साथ आया वो मुझे किसी के साथ नहीं आया। क्या बात कर रहा है साले, मुझे तो तेरी नौकरानी के साथ ही बहुत मजा आया। अरे अब उनको तो किसी के साथ भी मजा आता है, बस लेने का तरीका होना चाहिए। लो आ गई नहीं कबूतरी, हमें भी बता देना कैसे मजे लेते हो। बता दे इसको भी। आ बोना, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। मेरे दोस्तों से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी। अच्छा, वाह, तो चलो फिर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कम कम कम। अरे सिर्फ तुम्हारी कमी थी यार, तुम आ गए हो। अब आएगा पार्टी का असली मजा। क्या बात है। नहीं क्यों नहीं, आप भी मेरे घर पे हैं। हाय 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 हाय, माल है यार। बोलो कैसे लगे मेरे दोस्त? फैंटास्टिक, मुझे भी ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना पसंद है। दोस्तों तुम्हें मिल गया अपने ही जैसे। क्या लेना चाहोगी, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक? लेकिन उससे पहले मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। क्या तुम्हें भी फ्रेश होना है? मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ जाने मन। बोलो तुम क्या कहती हो? मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे? अरे सोचना उनका काम है। लो भाई मैं तो निपट आया। जाब लो, मैं निपट आता हूँ। जा भैया। क्या देख रहे हो? देखने नहीं, करने आए हो। बहुत खूब राज, बहुत खूब। प्यार के नाम पर इतना घिनौना खेल खेला है तुमने मेरे साथ। मगर याद रखना राज, मैं तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको सजा दिलवाऊंगी, सबको। ये सब तुम तब करोगी ना जब यहाँ से जिंदा बच के जाओ। हमको सजा दिलवाओगी? जब भी आती हो जल्दी में रहती हो, थोड़ी देर और रुक जाओ यार। अरे यार, हाय देव। ओ हाय राशिद, और तुम यहाँ कैसे? अरे यार इधर से गुजर रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं। वैसे भी तुम आजकल पार्टी में नहीं आते हो। बस यार अपने कामों में उलझा हुआ रहता हूँ। खैर इनकी तारीफ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है लीना। अच्छा, हाय हाय लीना, नाइस मीटिंग यू। देव, मैं जरा चलती हूँ, आप लोग बातें करो। ओके बाय। आओ राशिद चलो।
क्या खूबसूरत चीज है वो झील से गहरी आंखें, रस भरे होंठ, अरे छू लो तो बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है। क्या लाजवाब चीज है, ऐसी लाजवाब जिसका कोई नहीं जवाब। अरे यार ये पागल क्या बोल रहा है यार, पता नहीं किस फुलझड़ी की बात कर रहा है। वो कौन है जिसने इसके ऊपर जादू कर दिया है कि ये पागल हुए जा रहा है। मुझे पागल कर दिया है लीना ने। लीना? अब भाई ये लीना कौन है? देव की गर्लफ्रेंड। ओ राशिद ने उसको देखा भी है और उससे मिला भी है और उसी ने मुझे बताया कि वो ऐसी चीज है जैसी चीज हम लोगों ने आज तक नहीं चखी होगी। ऐसी बात है तो मानना पड़ेगा। देव सला छुपा रुस्तम निकला। जो ऐसी सॉलिड आइटम आज तक हमसे छुपा के रखा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी विक्की। अब हम भी तो देखें, चंदा को चकोर से मिलना ही पड़ेगा। अब तक जो मजा देव चखता रहा है आज हम भी तो वो मजा चक्कर देखें। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, अंदर तो नहीं है। यही है लीना। वाह क्या चीज है। जो तस्वीर में इतनी खूबसूरत है वो हकीकत में कितनी खूबसूरत होगी। काश कि एक बार वो मुझे मिल जाती तो मजा आ जाता। लीना मेरी जान, बड़ा मजा आ रहा है। आ लीना, ओ लीना, देव, क्या है देव? ओ लीना, अरे देव, अरे देव, लिली, लिली कहाँ गई तू? अरे यार, तूने तो मेरे सपने की माँ की आँख कर दी। मालूम है? कितना मजा आ रहा था सपने में। काश कि वो एक बार हकीकत में मिल जाती तो और भी मजा आ जाता। अरे हकीकत में मिलना तो भूल जा, तुझे कुछ पता है क्या? देव और लीना ने शादी कर ली है। Thank you.
लड़की की जैसी तारीफ की थी वो उससे भी कहीं बेहतर है। वो नशीली आंखें, वो खूबसूरत चेहरा और वो कमसीन जवानी। सच यार विक्की, मैंने आज तक अपनी जवानी में ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं चखी। यार फिर कब चखेंगे उसको? हाँ चख सकते हैं, उसे हम लोग चख सकते हैं, लेकिन इसका रास्ता हमें राशिद ही दिखाएगा। हेलो हेलो। ओ राशिद तुम? और देव भाई कैसे हो? अरे भाई तुम तो शादी करके हम लोगों को भूल गए। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हाँ एक बात है। तुमने तो शादी की पार्टी भी नहीं दी, हमने सोचा क्यों ना हम ही पार्टी दे दें। आज रात को हमने पार्टी रखी है और तुम लीना को लेकर जरूर आना, याद रखना भूलना नहीं। आज रात मेरे कुछ दोस्त पार्टी दे रहे हैं, तुम पार्टी में आओगी? नहीं देव, मुझे पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता। यार लीना तो पार्टी में आने से मना कर रही है, लेकिन मैं पार्टी में जरूर आऊंगा और हाँ पार्टी भी मैं ही दूंगा। और ऐसी पार्टी दूंगा कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे, समझ गए? ओके ओके बाय। लीना लीना लीना। कौन कौन है? अरे मैं। अरे आप? हाँ हाँ वो देव की हालत बहुत खराब है। देव को क्या हुआ? अरे वो उल्टियाँ कर रहा है, चलो मैं लेके चलूँ। अरे चलो ना मेरे साथ, मैं तुमको लेके चलता हूँ। गोरी चमड़ी से अपनी बहन के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें भी ऐसी ही मौत दूंगा मैं।
मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे करना क्या होगा? वो मैं तुम्हें बता दूंगा। बुलबुल लगा उस कमीने को फोन। कल नहीं, परसों का रख लो। ठीक है, परसों का रख लेंगे, उसमें क्या। हाँ, और आइटम कोई मस्त लेकर आना। बेफिक्र रहो। हेलो हेलो विकी, मैं बुलबुल बोल रही हूँ, सोनू की गर्लफ्रेंड। मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। क्या नाम बताया तुमने? बुलबुल। लगता है तुम्हें सोनू ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, मगर तुम्हारे बारे में मुझे सोनू ने बताया था। मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहती हो? वो मैं तुम्हें मिलकर ही बता सकती हूँ। तो क्या बहुत जरूरी है मिलना तुम्हारा मुझसे? वो क्या है ना कि बात ही कुछ ऐसी है। ठीक है, फिर कल दोपहर को 1 बजे मॉडलैंड में निर्मल बंगलो में आना, मैं वहाँ तुम्हें अकेले मिल जाऊंगा। ओके, थैंक यू विकी, मैं 1 बजे पहुँच जाऊंगी। गुड। का नाम बुलबुल है? जी हाँ, मेरा ही नाम बुलबुल है। आइए बैठिए। थैंक यू। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अब दरवाजा खुला रखकर भी तो बात हो सकती है ना। ठीक है ठीक है, नहीं बंद करता हूँ। आप कुछ लेना पसंद करेंगे? हल्का सा लाइट एग ले लूंगी। वेरी गुड। थैंक यू। हाँ बोलो, सोनू के बारे में क्या जानना चाहती हो? मुझे पता चला है कि सोनू एक अय्याश किस्म का आदमी है। उसके कई औरतों और लड़कियों के साथ नाजायज संबंध है। क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा ही नहीं। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर वो इधर उधर मुंह मार रहा है, ये बिल्कुल सच है। कोई बात नहीं, मैं भी उसे सबक सिखा कर रहूंगी। क्यों, तुम क्या करोगी? मैं भी कई बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, मजे करूंगी, ऐश करूंगी। तुम बॉयफ्रेंड बनाओगी किसको? साले सोनू ने कब से छुपा के रखी है, बताया ही नहीं।
बना तुम भी तो जवान और खूबसूरत हो। क्या बात है, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अच्छा तो इसी बात पे और एक एक पैक हो जाए। बोल क्यों ना हम इस दोस्ती को असली रंग में रंग दे। चलो मजे कर ले। संभल के डरें, संभल के। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बंगले पर एक कत्ल हो गया है, आप फौरन आइए। कत्ल हो गया? बंगले का एड्रेस बताओ। जी एक मिनट। निर्मल निवास मढ़ाई लाइन। निर्मल निवास मढ़ाई लाइन, ठीक है। मैं थोड़ी देर दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे दुश्मन बनते हैं कि कभी कभी अपने गहरे दोस्त का कत्ल कर देते हैं। आप मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। बरखुरदार,
वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा हम गलत समझ रहे हैं या तुम। क्या कह रही हो तुम? हुआ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, इसलिए तो फोन किया। तुम मुझसे अकेले में मिलोगे, तब मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी ना, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो ठीक है, कब मिलना चाहती हो? और कहाँ मिलना चाहती हो? जब तुम कहो तब। तो ऐसा करो कि मड आइलैंड में 2 बजे आ जाओ, निर्मल बंगलो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके? तुम करेक्ट 2 बजे पहुंच जाना। ओके? ओके। हेलो। हेलो सोनू, मैं विक्की की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, बुलबुल। बुलबुल नाम है मेरा। विक्की की गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? हाँ, लगता है विक्की ने तुम्हें कुछ बताया नहीं मेरे बारे में, मगर तुम्हारे बारे में विक्की ने मुझे सब कुछ बताया है, इसलिए मैं तुमसे मिलकर कुछ बताना चाहती हूँ विक्की के मर्डर के बारे में। वो विक्की के मर्डर के पीछे किसी राज नाम के आदमी का हाथ है। राज का हाथ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम आज 2 बजे मुझे कॉल सेंटर के बाहर गार्डन के पास मिलना। तुम मिलोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ 2 बजे मिलता हूँ। जरूर। ओके, बाय। विक्की की गर्लफ्रेंड बुलबुल? विक्की ने तो कभी बताया नहीं, पर विक्की के मर्डर में राज का हाथ हो न हो, सच्चाई कहीं ना कहीं जरूर।
जयपुर है। दोनों मर्डर केस की रिपोर्ट एक जैसी है, जिससे साबित होता है कि इनका कातिल एक ही है, और मुझे इसमें किसी औरत का हाथ लगता है। औरत? हाँ, विक्की और राज ने कत्ल से पहले किसी औरत से संभोग किया था, शारीरिक संबंध बनाए थे, हो ना हो इसमें उसी औरत का हाथ हो। उस औरत का तो हाथ नहीं जिसने मुझे फोन किया था। क्या सोचने लगे मिस्टर सोनू? इंस्पेक्टर साहब, कत्ल वाले दिन मुझे एक औरत का फोन आया था, और वो मुझे विक्की के कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब, उस औरत ने मुझे उसी वक्त फोन करके कॉल सेंटर के बाहर मिनी गार्डन में बुलाया, और उसने मुझे उसी वक्त बुलाया था जिस वक्त राज का कत्ल हुआ था, लेकिन वो वहां नहीं आई। कौन थी वो औरत? क्या नाम था उसका? बुलबुल। बुलबुल किस नंबर से फोन आया था? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैंने नंबर नोट नहीं किया। ओह, अगर दोबारा उसका फोन आए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे उस औरत पे शक है। जी इंस्पेक्टर साहब।
जाइए। हेलो सोनू, मैं बुलबुल बोल रही हूँ। तुम मुझे बुलाकर आई क्यों नहीं? सॉरी सोनू, उस दिन मुझे ऑफिस में बहुत काम था इसलिए मैं नहीं आ पाई, लेकिन आज रात को मैं तुम्हारे बंगले पर जरूर आऊंगी। आओ, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगा। पहचान गए? हाँ, और मैं ये भी जान गया हूँ कि विक्की और राज की कातिल भी तुम ही हो, और अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो। तुम अपनी सोचो सोनू। तुम उसकी नहीं, अपनी सोचो कि तुम बच के यहाँ से कैसे जाओगे। कौन हो तुम? वही जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो, विक्की और राज का कातिल। और अब तुम्हारी बारी है। अच्छा हुआ जो तूने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हवलदार, जी सर, गिरफ्तार कर लो इसे। ये लाइट का क्या हुआ? हवलदार कोई भागने न पाए। चल साले, तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। इस शख्स का फायदा उठाने मुझे की कोशिश करेगा। बचाओ मुझे। ढूंढो। अरे कहाँ गए? यहाँ तो है नहीं, कहाँ गए? अरे किधर गए ये लोग? लॉक करो बंगले को, जल्दी चारों तरफ से बंद कर दो इसको। बंद कर दो, बंद कर दो। हवलदार जी, पकड़ इस लड़की को। चलो ले जाओ इसको, चलो यहाँ से। देखता हूँ कब तक भागते हैं। मैं आपको कानून के हवाले करने आया हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या है? आप बुलबुल को छोड़ दीजिए। क्यों? वो निर्दोष है। एक तो तुम लोग कानून को हाथ में लेते हो, ऊपर से कहते हो वो निर्दोष है, उसको छोड़ दो। कातिल का साथ देने वाला भी दोषी होता है। कल तुम दोनों को अदालत में पेश करना ही होगा। हवलदार जी साहब, बंद कर दो इसको भी, ले जाओ।